वेलकम बैक टू माई चैनल इंस्पायर विद अनुष्का। गाइज, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगल डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, दैट इज एम्फाइसीमा। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो मोस्टली किसमें होता है, स्मोकर्स में। जो भी लोग स्मोक करते हैं उनमें ये एम्फाइसीमा नामक बीमारी होती है, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और इसी के बारे में आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। इस डिजीज़ में क्या होता है, जो भी स्मोकर्स होते हैं वो चूंकि स्मोक करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, स्मोक जो होता है वो लंग्स के एल्वियोली तक पहुंच जाता है, और एल्वियोली का जो चैम्बर होता है, जो सेपरेटिंग चैम्बर है दो एल्वियोलीज के बीच में, तीन एल्वियोलीज के बीच में, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और इस तरह से सरफेस एरिया जो होते हैं गैसियस एक्सचेंज का, वो रिड्यूस हो जाता है, और इस गैसियस एक्सचेंज के सर्फेस एरिया के रिड्यूस होने की वजह से गैसियस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, इट मीन्स हमारे हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड को फिर फ्लो करके लंग्स तक पहुँचाना होता है, ताकि लंग्स उसे फिर से प्यूरीफाई करके हार्ट तक पहुँचाए, और हार्ट फिर उसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करें। तो हार्ट का जो होता है वो वर्क बढ़ जाता है, उसे ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा ब्लड सप्लाई करना होता है, और इस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है, और इस वजह से क्या होता है, हार्ट फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन पेशेंट्स को भी, जो भी स्मोकर्स हैं, और या फिर जिन्हें हम बोल सकते हैं जो भी पेशेंट हैं, आज नहीं तो कल अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पेशेंट हो जाएंगे फिर, और उन्हें डिजीज़ कौन सी होगी, एम्फाइसीमा, जिसमें से कि उन्हें हार्ट फेल्योर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो है वो कितना इंजूरियस है हेल्थ के लिए, सो वी मस्ट हैव टू प्रिवेंट इट एंड अवॉइड स्मोकिंग। और ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है, ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, जो कि उन्हें ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्पफुल होता है। ये मास्क जो होते हैं वो, क्योंकि जो एयर पैसेजेस होते हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह हम स्मूथली एयर को लंग्स तक पहुँचाएं, और लंग्स से एल्वियोली तक पहुँचाएं, ताकि गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो सके। बट अगर ये प्रोसेस भी फेल्योर होता है, अगर मास्क लगाने से भी प्रोसेसेस स्मूथली नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक लास्ट ही कंडीशन है जो कि है वेंटिलेशन का। हम पेशेंट्स को क्या करते हैं, वेंटिलेशन पे रखते हैं। वेंटिलेशन में क्या होता है, डायरेक्टली मशीन के थ्रू मैकेनिकली एक पाइप जो होता है वो ट्रैकिया में, इट मीन्स विंड पाइप में क्या होता है, अटैच किया जाता है, और वहाँ से फिर गैसेस जो होते हैं वो मैकेनिकली मशीन के थ्रू ब्रीथिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और इस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस भी गैस के थ्रू, पाइप, विंड पाइप के थ्रू, जब भी पेशेंट वेंटिलेशन पे होता है तो वहाँ से ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से फिर ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एंड देन आफ्टर एल्वियोली तक होता है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। सो ये था ब्रीथिंग डिसऑर्डर और ब्रीथिंग डिजीज एम्फाइसीमा के बारे में। होप यू ऑल गाइज लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।